ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस में अवैध बार और बाउंसरों का आतंक। फन सिनेमा के मैनेजर समेत चार लोगों की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एनएसपी के अवैध बार। नॉर्थ दिल्ली के सबसे बड़े कमर्शियल हब नेताजी सुभाष पैलेस की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। किस तरह दिल्ली पुलिस के बहादुर जवान एक बार में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सीसीटीवी की ये ताजा तस्वीरें फन सिनेमा की हैं। इन तस्वीरों में कुछ बाउंसर फन सिनेमा के मैनेजर अरुण कुमार और उनके तीन कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर रहे हैं। मैनेजर गिड़गिड़ा रहा है, समझा रहा है, लेकिन ये बाउंसर हैं कि गुंडागर्दी पर उतारू हैं। काफी देर तक उत्पात मचाने के बाद ये लोग मैनेजर को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इस घटना से मैनेजर अरुण इतने आतंकित हैं कि वो किसी के सामने तक नहीं आ रहे। मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा तो प्रशासन फिर हरकत में आया और यहां चल रहे तमाम अवैध बारों को सील कर दिया। पुलिस ने बेशक अज्ञात बाउंसरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन ये बाउंसर अज्ञात नहीं है बल्कि एनएसपी में चल रहे बार और लाउंज में काम करते हैं। इस इलाके में दर्जनों की तादाद में अवैध बार हैं। हर बार किसी घटना के सामने आने के बाद ऐसे ही कुछ दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और कुछ दिन बाद ये बार फिर से शुरू हो जाते हैं। खुद क्लब चलाने वाले मानते हैं कि यहाँ सिर्फ अवैध बार ही चल सकते हैं। एनएसपी के ये क्लब मालिक की माने तो यहाँ चल रहे सभी क्लब्स और लाउंज जरूरी मानकों को पूरे नहीं करते और ना ही उनके संबंधित सभी लाइसेंस या कागजात बार के पास पूरे होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये क्लब इतने धड़ल्ले से कैसे चल रहे हैं। शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस का क्या जवाब होता है, जरा ये भी सुन लीजिए। उनके पास किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है, डिस्को ठीक चला सके हो या किसी का डांस करवा सके या कुछ भी है, वो सिर्फ खाना खिला सकते हैं। किसी के उस क्लब तो ऐसे हैं जिनके पास एक्साइज का लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन वहाँ फिर भी बियर, दारू, हुक्का सब कुछ चल रहा है। अब नजर जरा इस बार के अंदर के नजारे पर डालिए, कैसे नशे में चूर हो रहे हैं युवा। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। इस इलाके में इन अवैध बारों की वजह से अन्य कारोबार और दुकानें बिल्कुल चौपट हो चुकी हैं। यहां पारिवारिक माहौल नहीं होने से सभ्य लोग कदम रखने से भी डरते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या टीनेजर्स को यहां के क्लबों में आराम से आते और क्लबों से निकलते देखा जा सकता है। शिकायत के बाद भी पुलिस खाना पूर्ति करती नजर आती है। एलिगेशन तो लगते ही रहते हैं। एलिगेशन भी प्रूफ है। टेस्टिंग है, दिखाऊं आपको। सबूत के साथ एलिगेशन नहीं है, दिखाऊं आपको। बहरहाल फन सिनेमा मैनेजर की पिटाई के बाद अब फिर से तमाम बारों को सील कर दिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। प्रशासन ने इन बारों को सील तो कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में ये बार चल कैसे रहे थे। एक बार सील होने के बाद फीडर कैसे शुरू हो जाते हैं। यहां काम कर रहे कारोबारियों में इन बाउंसरों को डर इतना है कि कोई कैमरे पर भी बोलने को राजी नहीं। जब कोतवाल से यारी तो कौन पड़ेगा भारी। जी हां, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के नेताजी सुभाष पैलेस का आलम कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर